एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन करवाए थे। आज की क्लास के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवाएंगे। ऐसे ऐसे रूटीन चलता रहेगा। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं राजस्थान जीके के, वो सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि पूरे करवाने की। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, नैन्सी ख्यात किस भाषा में लिखी गई? नैन्सी ख्यात किस भाषा में लिखी गई? वह लिखी गई थी राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में नैन्सी की ख्यात लिखी गई थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन को एग्जामिनर उल्टा भी कर सकता है। क्या कर सकता है? पृथ्वीराज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम चंद्र बरदाई द्वारा लिखी पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने। दोनों विपरीत क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या तो वो पूछेगा या ये पूछेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमीर महाकाव्य के रचनाकार हैं। हमीर महाकाव्य के रचनाकार नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? उसको कहते हैं जल दुर्ग। क्या कहते हैं? जल दुर्ग। दुर्ग अलग अलग प्रकार के होते हैं, किस टाइप के दुर्ग होते हैं वो बताना है। वो आता है गागरोन का किला जल दुर्ग के अंदर। अगला क्वेश्चन, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक राव चूड़ा कहलाता है। कौन कहलाता है? राव चूड़ा। आपको ऑप्शन के अंदर मालदेव भी दे सकते हैं, दूसरे भी दे सकते हैं। ऑप्शन के अंदर राव चूड़ा उसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने बहुत सारे निर्माण करवाए थे, बहुत सारे स्तंभ के निर्माण करे। सबसे ज़्यादा महाराणा कुंभा ने ही करवाए थे, 235 के आसपास कुछ निर्माण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मौसर क्या है? मौसर एक प्रकार की राजस्थानी मतलब राजस्थान के अंदर जो भी इलाका है वहाँ पे मौसर को क्या कहा जाता है? मृत्यु भोज की प्रथा। मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है उसे मौसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसर। जैसे सम्मेलन होता है, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ मौसर के रूप में लोग इकट्ठा होते हैं, उसको कहते हैं मृत्यु भोज की प्रथा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो राजस्थानी ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किससे प्रचलित है? वह कौन सी महिलाएँ होती है? वह होती है आदिवासी महिलाएं। कौन होती है? आदिवासी महिलाएं। जो ताराबाद की जो ओढ़नी होती है वह केवल आदिवासी महिला ही पहनती है, कोई दूसरा नहीं पहनता। ऐसे पहनने में तो हर कोई पहन सकता है, लेकिन प्रचलित के रूप में आदिवासी महिला ही पहनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहाँ निषेधित की गई? सर्वप्रथम जयपुर में निषेधित की गई। सती प्रथा का मतलब सती जो भी लेडीज़ होती है वहाँ सती के रूप में अपने आप को या तो वो क्या कर लेती है? दहन कर लेती है अपने पति के साथ, उसको कहते हैं सती प्रथा। ये हुई थी सबसे पहले निषेधित जयपुर के अंदर। किसके अंदर? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया? जो भी कन्या होती थी उनको मार दिया जाता था राजपूतों के द्वारा या राजाओं के द्वारा। जो राजपूताना थे वो क्या करते थे, जब भी उनके कोई बच्ची होती थी या कोई भी लड़की होती थी तो वो कन्या का वध कर लेते थे। तो उनको रोकने के लिए सर्वप्रथम सवाई जय सिंह ने ये शुरुआत की थी कि कन्या को मारा नहीं जाए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, भौमट क्या है? भौमट एक मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है। भौमट क्या है? मेवाड़ के अंदर भील आबादी वाला क्षेत्र भौमट कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति थे। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति कौन थे? कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? मेवाड़ के संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा तो स्थापना की गई थी, और संस्थापक और सभापति है बलवंत सिंह मेहता।
ये राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम रेगुलर आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए करवाते रहेंगे। सब टॉपिक मिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को लेकर चल रहे, सब टॉपिक इसलिए मिक्स कर रहे हैं जिससे आपको तैयारी अच्छी हो सके। धन्यवाद। अगर इंग्लिश क्लासेज आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।